आइए आज 2018 का सेट नंबर 7 देखते हैं। इसके पहले 6 सेट हल करा चुके हैं और बाकी सभी 17 से लेकर 16 12 तक हल कराए हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आया दिस देन इज, ये आपके सिलेबस में, इसको काट दीजिए, आगे बढ़िए। वी हैव हर्ड द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये वोमेंस एजुकेशन बाय राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इसके बाद वाला टूडे फैमिली सिस्टम इज अडाप्टिंग इटसेल्फ, ये आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया बाई एल बासु। दूसरा है वाई डिड द राइटर विलियम सी डागलस फॉल इन लव विथ इंडिया, तो ये आपका क्वेश्चन सही है, आया पहले पार्ट से है, गलवी देवास के। कह रहे हैं लेखक विलियम सी डागलस क्यों भारत से प्रेम करने लगे। व्हाट शुड ए माइंड डू टू रिड्यूस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, काट दीजिए। तीसरा व्हाट वर द थिंग्स वोमेन वर इंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया, वे क्या चीज़ें थी जिसके औरतें प्राचीन भारत में क्या थे, अधिकार रखती थी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला देखते हैं द मोस्ट, इसमें बताइए क्या भरा जाएगा। इंटेलिजेंट, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्राइव, डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल है लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, ए न्यू मिसचीफ। चौथा वाले में आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, काट दीजिए। पांचवा क्वेश्चन में आपको व्हाट वर द थिंग्स द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड, कई बार आया ही है आपको, जो है वो चीज़ें क्या थी जिसकी तरफ मेला में खोने से पहले जो है वो चीज़ें क्या थी जिसकी तरफ बच्चा आकर्षित हुआ था। या व्हाट वर पॉलिटिकल एजुकेटर्स फाइटिंग फॉर, ये सिलेबस में दूसरा नहीं है। तीसरा है इसके द इन शॉर्ट द करेक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स इन स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, एस्ट्रोलॉजर्स डे कहानी में ज्योतिषी के चरित्र का चित्रण करो शॉर्ट में। तो ये दोनों क्वेश्चन है जिसको पढ़ाया गया है, वीडियो भी बनी है इसकी। देखिए एक्सप्लेनेशन में पहला कार्ड दीजिए, सिलेबस में नहीं है। दूसरा है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से आया है और इसके राइटर यानी कवि हैं सर हेनरी वाटर। तीसरा वाला सिलेबस में नहीं है, केवल आप बी वाला इसमें तैयार करिए। सेंट्रल आइडिया देखिए तीनों सिलेबस में है। उसके बाद आपको एक परिभाषा दिखना है अलंकार की, दो गाड़ देना। तो चलिए फिर अब आपको इनडायरेक्ट बताते हैं। ही सेड लेट अस नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टिल वी हियर द फैक्ट्स, उसने कहा जब तक कि हम फैक्ट को सुन ना लें तब तक हमें इसके बारे में कोई चीज़ नहीं कहना चाहिए। तो चलिए देखिए, तो सेड का आप सजेस्टेड कह दीजिए या प्रपोज्ड भी कह सकते हो। तो ही सजेस्टेड मतलब उसने कहा हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, ज़्यादा सुझाव प्रकट हो रहा है, वैसे प्रस्ताव भी कर सकते हो। ही सजेस्टेड दैट, ही सेड का सजेस्टेड कह दीजिए, यस यू डबल जी ई एस टी ई डी, सजेस्टेड दैट दे शुड, आज का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, सजेस्टेड दैट दे आज का शुड, हाँ लेट का शुड बदल दिया, दे शुड नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टिल, और वी का दे कर दूँ, और हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड कर दो, टिल दे हर्ड द फैक्ट्स। बात समझ में आ गया, सेड की जगह सजेस्टेड करो, दैट करो, दे शुड करो, नॉट से लिखते चले जाओ, वी का दे कर दो, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड कर दो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा कि नोट काम मत। अगला है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो इसमें सेड टू को एडवाइज कर दो क्योंकि सलाह प्रकट हो रही है, एडवाइज द पेशेंट, उसके बाद डोंट को नॉट टू कर दो, नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेस फुल स्टॉप। फ्राइड माने होता है तला हुआ पदार्थ न खाया, डॉक्टर ने रोगी को ऐसी सलाह दी। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेस, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, एडवाइज ना लिखना चाहो, फॉरवर्ड कर दो तब नॉट मत लगाओ, फॉरवर्ड द पेशेंट टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेस। क्लियर, आगे देख लेते हैं। फॉर ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, सॉरी चलिए एक और बता दे रहे हैं। दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सिंपल बनाना है तो आप कर दो दिल्ली कामा कर दो, एन ओल्ड सिटी फिर कामा कर दो, इट हटा दो, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली कामा एन ओल्ड सिटी फिर कामा, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर, पुराना शहर दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी। यू डिसीव्ड हिम दैट वाज हिज कंप्लेंट,
तुमने उसे धोखा दिया हुआ उसकी शिकायत थी, क्लियर। तो इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, दैट यू डिसीव्ड हिम कर दो, उसके बाद ये दैट हटा दो, बस बात खत्म। डिसीव्ड हिम काम करके वाज हिज कंप्लेन, उसकी शिकायत थी कि तुमने उसे धोखा दिया, तो दैट के लगता नहीं नाउन क्लास से पहले, इसलिए दैट के स्थान पे पूरा नाउन क्लास दैट शुरू करके सेट कर दो। जब नाउन क्लास बनाया जाता है तो दैट से ही अक्सर लिखा जाता है, क्लियर की आता है तो, नहीं तो व्हाट। दैट यू डिसीव्ड हिम वाज हिज कंप्लेन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। ही ऑल हिज विच फॉर ऑल हिज विच, अपने सभी धन के बावजूद भी ही इज नॉट कंटेंटेड, वह संतुष्ट नहीं है। तो इसका आपको कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, तो पहले आपको इसको दो वाक्य बना लो। अपने सभी धन के बावजूद, कहने का मतलब उसके पास सभी प्रकार से धन है, ठीक है, वह संतुष्ट नहीं है, तो एट से लग जाएगा। तो पहले वाक्य को आप कर लो, ही हैज ऑल द रिचेज, उसके पास सभी धन है, सभी प्रकार से धन है, ऑल द रिचेज माने पूरा धन है, क्लियर, सभी प्रकार से धन है। उसके बाद एट लगा के जोड़ दो, एट ही इज नॉट कंटेंटेड, ही हैज ऑल द रिचेज, उसके पास समस्त प्रकार से धन है, ही एट ही इज नॉट कंटेंटेड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, क्लियर। चलिए आगे, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मनुष्य, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मनुष्य कितना सुंदर रचना है। इसका मतलब है ए मैन इज वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क, ये मनुष्य बहुत ही सुंदर रचना है, पीस ऑफ वर्क मतलब रचना, मनुष्य क्या रचना है, मतलब ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ों की रचना की, लेकिन उसमें मनुष्य क्या अलग ही है। तो इसका करो ए मैन इज, ए मैन नहीं करो, केवल मैन करो, क्योंकि ये नहीं आया है, मैन के पहले हम ए नहीं लगाते आर्टिकल, क्योंकि जब मैन का प्रयोग पूरे मानव जात के लिए होता है, क्लियर। तो मैन इज वेरी फाइन, वेरी फाइन पीस ऑफ मैन जोड़ दीजिए, हाँ पीस ऑफ वर्क कह रहे, कहाँ मैन, पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क माने रचना। मैन इज वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क, मनुष्य बहुत ही सुंदर रचना है, क्लियर। अगला करेक्ट करिए आप, ऑल द फर्नीचर्स वॉज डिस्ट्रॉयड, गलती क्या है, फर्नीचर में कभी भी यस नहीं लगता है, तो आप यस हटा दो, वाक्य एकदम करेक्ट, क्लियर। ऑल द फर्नीचर माने हो गया सभी फर्नीचर, क्लियर, वाज रहेगा तो ऑल द फर्नीचर तब वाज हो जाएगा, यस हटा दोगे तो वाज सही है, नहीं तो अगर ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर भी फर्नीचर करोगे तब वाज का भी वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। देखिए दूसरा, समन्स हैव बीन इश्यूड, समन्स हैव बीन इश्यूड नहीं होगा, समन हैज हो जाएगा, समन, समन मतलब क्या होता है, समन माने देखिए वर्ब रहता है, समन माने होता है बुलावा भेजना, और समन माने लिफाफा भी होता है जिसमें, ठीक है ना, जिसमें हम पत्र को भेजते हैं उसको भी समन कहते हैं, तो उस हिसाब से इसको एक वचन माना जाएगा नाउन, इस हिसाब से इसके साथ हैव नहीं रहेगा, हैज लगेगा, यस हटा दो, हैज लगा दो, क्लियर, एज ए नाउन यहाँ लिखा गया। फिर देखिए जो तीसरा वाक्य है, आई हैव ए 10 रुपीज नोट, इसमें रुपीज में से यस काट दीजिए, क्योंकि नोट आपका नाउन है, 10 रुपी उसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बीच में उसके साथ यस नहीं लगेगा, 10 रुपी, ए 10 रुपी मतलब 10 रुपये का एक नोट है, तो कहाँ यस लगेगा, क्लियर। चलिए आगे, यूनिट को बता रहा है, हाइफन से जुड़ा रहता है तो 10 रुपी, तो यस नहीं लगता नोट के पहले। कैन वन नॉट डू व्हाट ही लाइक्स, तो देखिए वन नहीं रहेगा, एनी वन रहेगा, क्लियर, कैन एनी वन, ठीक है, डू रहेगा, नॉट भी नहीं रहेगा, क्या कोई भी व्यक्ति डू कर सकता है व्हाट ही लाइक्स, जो वह चाहे, क्या कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है, ऐसा कहना चाहिए, क्लियर। चलिए आगे, अब अगला है, तो क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है ना, तो लाइक्स है, तो एनी वन कर दो, नॉट हटा दो, नाइदर ऑफ देम वर इनवाइटेड टू द पार्टी, तो नाइदर के साथ वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा, क्योंकि नाइदर ऑफ के बाद बहुवचन लिखा जाता है, लेकिन
आपके बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं माना जाता है, नाइदर के हिसाब से एक वचन की वर्ब लगेगी वाज। आई डू नॉट नो हु यू आर हो जाएगा, हु आर यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हु कंजक्शन है, तो कंजक्शन बाद पहले सब्जेक्ट आएगा तब वर्ब आएगा, समझ गए कि नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, हु यू आर। ठीक, देखिए दसवां क्वेश्चन है हार्स लाफ। आपके मुहावरे हैं पांच आए हैं, पांच क्या अच्छा है इसमें, तो हार्स लाफ माने क्या होता है, व्यर्थ की हंसी। क्लियर, अगर घोड़ा हंस रहा है तो जाए जो व्यर्थ ही तो हंस रहा है, तो उसका काम क्या है, चलना। ठीक है, तो आप वही कह रहे, कुछ लोग बाद में कहते हैं घोड़ों की तरह हंस रहे हो, अरे यानी कि व्यर्थ की हंसी हंस रहे हो। क्लियर, घोड़ों की तरह रिना रहे हो, हंस रहे हो, मतलब व्यर्थ की हंसी हंस रहे हो। आगे देखिए, आगे आई एट वंस बीट्स इंड माने क्या होता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ या चकरा जाना। किंग कर्तव्य विमूढ़ भी होता है, मतलब क्या, चकरा जाना, चकरा जाना लिखो किताब में, एक्सीलेंट में आपको हिंदी यही मिलेगी, नहीं तो आप एक किंग कर्तव्य विमूढ़ भी कर सकते हो, मतलब दिमाग काम ना करना, चकरा जाना। जैसे सीइंग द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट, हिज विट्स इंडेड। क्लियर, उसकी उस वह चकरा गया, हिज विट्स इंडेड, वंस की जगह ही जा जाएगा। क्लियर, एक वचन के साथ बहुवचन साथ दे, दे, ठीक है, देर हो जाएगा। देखिए, क्लियर, सिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर एट द एग्जामिनेशन हॉल, हिज विट्स इंडेड। क्लियर, परीक्षा भवन में कठिन प्रश्न पत्र को देखकर वह क्या किया, चकरा गया, मतलब समझ में नहीं आया क्या लिखे, आ ही नहीं रहा, जब मेहनत नहीं किया तो क्या आएगा, बात समझ गया ना, इस तरह की बात। अब याद करने की ट्रिक क्या होगी, विट माने क्या होता है, बुद्धि होता है, इंड माने अंत होता है। अगर किसी की बुद्धि का अंत हो गया, मतलब समझ में नहीं रहा बुद्धि से क्या करें, कठिन प्रश्न आ गया है, आ ही नहीं रहा है, तो जाने जो चकरा जाए, आप समझ गए ना, इस तरह से चकराना, दिमागी रूप से चकराना, बुद्धि का अंत हो जाना। क्लियर, इररिलेटेड डे माने स्वर्णिम दिन या महत्वपूर्ण दिन, कई बार बता चुके हैं, जितना महत्वपूर्ण है कि उसको लाल अक्षरों से लिखा गया है। ठीक है, अक्सर किसी फंक्शन वगैरह में डेकोरेशन किया जाता है। डाग इन द मैंगर माने क्या होता है, ना स्वयं उपयोग करना, ना दूसरों को करने देना। याद करने की ट्रिक क्या होगी, मैंगर माने जानते हो क्या होता है, नाद होता है, नाद का मतलब एक ऐसा बर्तन होता है, पॉट होता है, जिसमें पशु चारा खाते हैं, जिसमें पशुओं को आप चारा डालते हो वो खाते हैं, हाँ, जिसको गांव में हौदी कहते हैं, हौदी या नाद, तो उसको भी जो है उसी को अंग्रेजी में कहते हैं मैंगर। क्लियर, तो अब देखिए याद, मुहावरा याद कैसे होगा और आया कहाँ से, कुत्ते का कनेक्शन कैसे इसमें आ गया, तो मतलब जैसे होता क्या कि कुछ कुत्ते होते हैं ऐसे, जैसे कोई पशु बहुत सीधा है, गाय है, गाय का बछड़ा है, या कोई बैल बहुत सीधा साधा है, तो उसमें आप कुछ ले जाके रख देते हो, रोटी या चावल डाल देते हो उसको खाने के लिए, तो कुत्ता क्या आता है, वो भी खाने का प्रयास करता है। अब गाय बेचारी सीधी है, गाय का बछड़ा एकदम सीधा है, ठीक है, बछड़ा एकदम सीधा है, तो जब वो खाने का करता है कुत्ता भी खाने लगता है, तो उसको थोड़ा सा क्या करता है, जिसको तो झोंका देना, तो गाय या बछड़ा जो उसको झोंका देता है, मतलब हल्का से मारने का प्रयास करता है, तो कुत्ता भाग जाता है, तो उसके बाद भाग जाता, फिर देखता रहता है, फिर जैसे खाने करता फिर आता है, खाने का मतलब ना कुत्ता खाने पाता है, ना वो बछड़ा या गाय खाने पाती है। क्लियर, तो डॉग इन द मैंगर मतलब नाद में वो कुत्ता आ गया, तो मतलब वो कुत्ता ना खा पा रहा है, उस खाने का उपयोग ना खुद करने पा रहा है, ना उसको करने दे रहा है, उसको भी बेचारे को डिस्टर्ब कर रहा है, अब समझ गए ना, तो मुहावरा इस तरह की कंडीशन से निकल के आया है, अब समझ गए ना। चलिए, आई होप अब याद होगा आपको। विंड अप, इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि क्लास में होते हैं ना, तो खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, तो सच स्टूडेंट आर लाइक डॉग इन द मैंगर, ये लोग जो है डॉग इन द मैंगर की तरह होते हैं, ना पढ़ते हैं दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो आप लोग ऐसा ना करिएगा। चलिए आगे, अब देखिए विंड अप माने क्या होता है, चाबी देना। ठीक है, तो विंड अप मतलब चाबी देना, जैसे कुछ घड़ी ऐसे होते हैं जिसमें चाबी भरा जाता है, क्लियर, उसको विंड अप, या कोई खिलौने होते हैं उसमें चाबी भर दिया जाता तो कुछ दूर जाता है, क्लियर, उसको विंड अप कहते हैं। ठीक, और इस माने समाप्त होना भी होता है, चाबी देने के हिसाब से ना वाक्य बना पाए तो समाप्त होने के हिसाब से भी आप बना सकते हो। क्लियर, तो विंड मतलब क्या होता है, विंड माने हवा, अगर ऐसे उसको चाबी देते हो किसी खिलौने को आगे भरने के लिए, तो जाने के हिसाब से हवा ही भरते हैं। क्लियर,
और क्लियर, और समाप्त होने के हिसाब से इसके कैसे ट्रिक होगी, विंड माने हवा, अपमान ऊपर, हवा ऊपर चली गई मतलब आपके पास नहीं है, हवा बहाना क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्लियर। अगला अब देखिए, इफ टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश इन ट्रबल्ड वाटर माने क्या होता है, परेशानी में होना, परेशानी में होना, किताब में एक्सीलेंट में भी आपको मिल जाएगा, क्लियर, फिश इन ट्रबल्ड या परेशानी में व्यक्ति, अत्यंत कष्टित व्यक्ति, क्लियर, कष्ट से पीड़ित व्यक्ति भी होता है, क्लियर, तो कष्ट से पीड़ित, अब याद कैसे हो, बड़े आराम से याद हो, फिश माने क्या होता है, मछली, ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर मतलब जैसे ऐसा वाटर जहाँ बहुत कम पानी हो उसको ट्रबल्ड वाटर, कष्टयुक्त पानी, मतलब जैसे कहीं थोड़ा सा ही पानी है उस वहाँ मछली को रख दोगे तो वो ज़्यादा तैर नहीं पाएगी, परेशान रहेगी, तो वही कहने मतलब उसी तरह से कोई आदमी परेशान व्यक्ति है तो उसको कहेंगे ही इज़ लाइक ए फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, क्लियर। चलिए आगे, क्योंकि कहा गया मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है, तो हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तो इसलिए फिश इन ट्रबल्ड वाटर। चलिए आगे, बच्चे पढ़ते हैं ऐसे कहन, आप भी लोग भी पढ़े होंगे छोटे रहेंगे। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बताइए, लिम्पिड, लिम्पिड माने क्या होता है, अस्पष्ट होता है, मतलब कोई एकदम अस्पष्ट बात करे उसको लिम्पिड कहते हैं, तो इसको कहते हैं एम्बिगुअस। एंटोनिम्स एम्बिगुअस माने द्विअर्थी बात करना, अस्पष्ट बात करना, ए एम बी आई जी यू ओ यू एस, ए एम बी आई जी यू ओ एस, एम्बिगुअस माने अस्पष्ट बात करना या द्विअर्थी बात करना, क्लियर, बात का क्लियर ना हो पाए आप क्या कहना चाहते हो, ठीक। अच्छा, ऑपेक माने क्या होता है, अपारदर्शी, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, टी आर ए एन एस पी ए आर ई एन, ट्रांसपेरेंट माने क्या होता है, पारदर्शी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, एब माने क्या होता है, हाँ हाँ, तो एब का ठीक है, उतार चढ़ाव जो होता है, एब एंड फॉल, ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा कम इन, इसके लिए क्या हो जाएगा, कम इन, हाँ फ्लो भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्लियर, या फिर एलओ डब्ल्यू भी कह सकते हो, एक शब्द में, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ज्वार, जो भाटा, ज्वार भाटा नहीं सुने समुद्र में उठते गिरते, हाँ क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, प्रोजनी, प्रोजनी माने होता है संतान, तो सिनानिस आपको लिखना है ऑफ स्प्रिंग, ओ डबल एफ एस पी आर आई एन जी, ऑफ स्प्रिंग माने भी होता है संतान, क्लियर, ओ डबल एफ एस आप से कह दीजिए पी आर आई एन जी, क्लियर, ऑफ स्प्रिंग, ओ डबल एफ एस पी आर आई एन जी, इस माने भी होता संतान, वैसे आई डबल एस यू ई इशू माने भी संतान होता, मुद्दा भी होता, निकालना भी होता, ऑफ स्प्रिंग इज स्पेशल वर्ड। सेलेस्टियल माने क्या होता है, स्वर्गीय, स्वर्गीय या दैवी, हैवनली जिसको कहते हैं, एस ई ए बी ई एन एल वाई, क्लियर। अब देखिए मलिग्नेंट, मलिग्नेंट माने क्या होता है, द्वेषी, जो दूसरों से बहुत द्वेष रखे हैं मतलब दुर्भावना रखे हैं उसको हम कहते हैं द्वेषपूर्ण या द्वेषियाँ, स्पाइटफुल कहते हैं, एस पी आई टी ई एफ यू एल, क्लियर, स्पाइटफुल। अगला है वन बाई सब्टन, एन इनक्लोजर फॉर ब्रीडिंग नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स, तो इनक्लोजर मतलब से कोई मतलब बंद स्थान होता है, फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग माने उसे पनपना या पालन पोषण करने के लिए, नर्सिंग मतलब वह देखभाल करने के लिए, उनको उपजाने के लिए, एपी कीपिंग ऑफ बर्ड्स पक्षियों को रखने के लिए, तो मतलब ऐसा मतलब एरिया जो है जो मतलब पक्षियों को रखने के लिए उसका पालन पोषण करने के लिए हो उसको हम क्या कहते हैं, एवियरी कहते हैं, ए वी आई ए आर वाई, पक्षीशाला, क्लियर, जहाँ बहुत सारी पक्षियाँ, बहुत लोग मतलब पक्षी को रख लेते हैं ना वहाँ, जैसे यहाँ अभी जल्दी में आपके नज़दीकी कादीपुर के पास एमू वर्ल्ड को वहाँ रखे थे, पक्षीशाला बनाए थे, क्लियर, हाँ अब नहीं है, तो ए वियरी, ए वी आई वी रहेगा, वी फॉर वैन, यू के बाद जो वी आता है, ए वी आई ए आर वाई, ए वियरी माने होता है पक्षीशाला। अगला है रेमडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी रोगों का जो उपचार हो उसी दवा को क्या कहते हैं, पाइनेसिया, पी ए एन ए सी ई ए,
क्लियर। अब देखिए आगे, अब देखिए दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसे देखा ना जा सके इस चीज़ के आर पार, उसको कहते हैं आपेक, ओ पी ए क्यू यू ई, आपेक माने होता है अपारदर्शी। अब आगे देखते हैं वन वर्ड, हाँ होमोफोन से पेन, पेन माने क्या होता है, खिड़की का शीशा, जैसे विंडो पेन होता है खिड़की का शीशा, क्लियर। तो अब देखिए अगला पेन माने दर्द या दुख, जान ही रहे हो, क्लियर। देखिए भारतीय सभ्यता व संस्कृत नदी घाटी सभ्यता रही है, चलिए इसका ट्रांसलेशन लिख लीजिए आप, भारतीय सभ्यता व संस्कृत नदी घाटी सभ्यता रही है, लिखो इंडियन सिविलाइजेशन माने भारतीय सभ्यता व संस्कृत मतलब एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड कल्चर नदी घाटी सभ्यता रही है, हैज बीन, हैज बीन माने रही है, द रिवर वैली, रिवर वी ई डबल एल वाई वैली सिविलाइजेशन, हैज बीन द रिवर वैली सिविलाइजेशन, ठीक। हाँ, नदियों के पवित्र तटों पर ही ऋषियों के ज्ञान चक्षु खुले और वेद पुराणों उपनिषदों आदि की रचनाएं हुई, नदियों के पवित्र तटों पर ऋषियों के ज्ञान चक्षु खुले, पहले इसको लिखोगे आप सब्जेक्ट, तो लिखो द हर्मिट, हर्मिट माने ऋषियों के, हर्मिट से यस जोड़ देना, ज्ञान चक्षु खुलना का मतलब वो ज्ञान को प्राप्त किए, गाट इनलाइटमेंट होता है उसका मतलब, गाट इनलाइटमेंट, स्पेलिंग लिखो जी ओ टी गाट, उसके बाद अलग शब्द लिखो इनलाइटमेंट, ठीक है, ई एन लाइट जोड़ दो मेंट जोड़ दो, इनलाइटमेंट, गाट इनलाइटमेंट माने होता है ज्ञान चक्षु खुलना या उसको ज्ञान की प्राप्ति होना, क्लियर, कैवल्य की प्राप्ति होना, ये सब मोक्ष की प्राप्ति होना, क्लियर, गाट इनलाइटमेंट माने ज्ञान चक्षु खुले, एंड वेदस, एंड वेदस, वेदों का अंग्रेजी को वेदस, हाँ काम आप, पुराण्स वी ई डी एस वेदस, पी यू आर ए एन एस पुराण्स, पहला अक्षर बड़े से रहेगा सबका, बड़े से लिख सकते हो, हाँ मैं छोटे से भी लिख सकते हो, तो पुराण्स, उपनिषद यू पी ए, ये सब वेदस पुराण्स उपनिषद का पहले पर अक्षर बड़े से लिख सकते हो क्योंकि किताबों हैं ये ग्रंथ हैं, पुराण्स उपनिषद यू पी ए एन आई एस एच ए डी एस ई टी सी आदि की अंग्रेजी को ई टी सी, वर रिटन ऑन द होली बैंक्स ऑफ द रिवर्स, नदियों के पवित्र तटों पर लिखी गई थी, वर रिटन रचनाएं हुई मतलब वो लिखी गई थी, कहाँ लिखी गई थी वो अदर वर्ड लास्ट में लिखो, वर रिटन ऑन द होली बैंक्स ऑफ रिवर्स, वर रिटन लिखी गई थी या वेयर रिटन ऑन द होली बैंक्स ऑफ रिवर्स, होली बैंक्स ऑफ द रिवर्स, समझ गए ना। चलिए आगे है, जीवन स्रोत नहीं सॉरी, नदियां भारतीय जनजीवन की प्राण, ठीक है, हैं नदियां भारतीय जनजीवन की प्राण है, तो लिखो द रिवर्स आर, लगा दो या रहने दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप परिचित तो हो रहे, लगा भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, द रिवर्स आर या रिवर्स आर, द सोल ऑफ, द सोल ऑफ इंडियन, प्राण मतलब वही सोल आत्मा या प्राण, ऑफ इंडियन ह्यूमन लाइफ, भारतीय जनजीवन, इंडियन ह्यूमन लाइफ, हो गया। उसके बाद लिखो, हाँ जीवन स्रोत है एक आस्था का केंद्र है, लिखो जीवन स्रोत है, लाइफ इज सोर्स ऑफ लाइफ, नहीं लाइफ सोर्स ऑफ कामा करके सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन स्रोत है, नहीं जीवन स्रोत है एक आस्था का केंद्र है, चलो लिखो लाइफ इज,
लाइफ सोर्स, हाँ जीवन स्रोत है, एक आस्था का केंद्र है। ठीक है ठीक, देखिए लाइफ, तो पहले देखिए आप लिखो, रिवर्स आर द सोल ऑफ इंडियन ह्यूमन लाइफ, नदी भारतीय जीवन का प्राण है। ठीक है, हाँ उसके बाद ठीक है, कामा कर दो बस, और क्या है, स्रोत है, तो ये भी लिख दो, सोर्स ऑफ लाइफ लिख दो, जीवन स्रोत, कामा कर खाली लिख लो, सोर्स ऑफ लाइफ, बस हो गया, यहाँ बर्फ लगाने की जरूरत नहीं, सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ लाइफ माने हो गया जीवन स्रोत, जीवन का स्रोत या जीवन स्रोत, सोर्स ऑफ लाइफ, एंड द सेंटर ऑफ फेथ एवं आस्था का केंद्र है, एंड सेंटर ऑफ फेथ का दो या कॉन्फिडेंस का दो, सेंटर माने केंद्र, ऑफ फेथ, फेथ माने विश्वास, आस्था या विश्वास एक ही चीज़ है। इनका फुल स्टॉप कर दो, इनका जल पीकर मनुष्य स्वस्थ एवं दीर्घजीवी रहा, लिखो हैविंग ड्रंक, पार्टिसिपल हैविंग ड्रंक, पीकर या पी करके, इट्स वाटर, हैविंग ड्रंक इट्स वाटर, मैं देख लिया इट्स लगा, कामा मैन हैज बीन, मनुष्य रहा, मैन हैज बीन हेल्थी, स्वस्थ के अंग्रेजी को, मैन हैज बीन हेल्थी एंड लॉन्ग लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड माने दीर्घजीवी, लंबे समय तक जिया, क्लियर, लॉन्ग लिव्ड, क्लियर, फुल स्टॉप कर दो, नदियाँ, क्योंकि बर्फ की जगह के लिए लॉन्ग लिव्ड माने दीर्घजीवी रहा, नदियाँ भारतीय संस्कृत का के मील का पत्थर हैं, संस्कृत की मील का पत्थर है, तो चलो लिखो, नदियाँ रिवर्स, द रिवर्स लिखो, द रिवर्स आर द माइल स्टोन, माइल स्टोन माने मील का पत्थर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होना, क्लियर, द रिवर्स आर द माइल स्टोन ऑफ इंडियन कल्चर, ऑफ इंडियन माइल, एम आई एल ई स्टोन जोड़ दिए, माइल स्टोन ऑफ इंडियन कल्चर, हाँ तीर्थ स्थल हैं, इसकी भी अंग्रेजी लिखो, तीर्थ स्थल, प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज माना तीर्थ स्थल होता है, बहुवचन हो गया प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज, प्लेसेज माने स्थल या स्थान, ऑफ पिलग्रिमेज, पी आई एल जी आर आई एम ए जी ई, पिलग्रिमेज माने होता है तीर्थ, जिसे कहते हैं तीर्थ यात्रा पे जाना, तीर्थ स्थान, पी एल आई जी आर आई एम ए जी, प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज, हाँ, और भारतीय इतिहास की अमिट साक्षी भी हैं, एंड एवर लास्टिंग एविडेंस, एंड एवर लास्टिंग एविडेंस, एविडेंस ऑफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नहीं भारतीय इतिहास की अमिट साक्षी, हाँ एवर लास्टिंग एविडेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की, मिले हो गया ना, विज्ञान के साथ साथ औद्योगिक व भौतिक विकास आरंभ हुआ, तो लिखो पहले औद्योगिक और भौतिक विकास, इंडस्ट्रियल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक होता है, आई एन डी यू एस टी आर आई ए एल, एंड फिजिकल पी एच वाई एस आई सी एल, डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड, आरंभ हुआ, हैज स्टार्टेड एलॉन्ग विथ, साथ साथ की अंग्रेजी, एलॉन्ग विथ साइंटिफिक डेवलपमेंट, विज्ञान का विकास का मतलब वैज्ञानिक विकास, साइंटिफिक माने विज्ञान का या वैज्ञानिक, साइंटिफिक डेवलपमेंट, स्पेलिंग लिखो एस सी आई ई एन, साइंटिफिक स्पेलिंग लिख लो, ना आता हो तो एस सी आई ई एन साइंटिफिक, क्लियर, अभी तो साइंटिफिक, एस सी आई ई एन टी आई एफ आई सी, एस सी आई ई एन टी आई एफ आई सी, डेवलपमेंट डी ई वी ई एल ओ पी एम ई एन टी, फुल स्टॉप कर दो, अच्छा फलतः नदियाँ प्रदूषित होने लगी, फलतः मतलब एज ए रिजल्ट या एज ए रिजल्ट, ठीक है एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप हो या फलतः किसी चीज़, एज ए रिजल्ट, कामा नदियाँ रिवर्स द रिवर्स
प्रदूषित होने लगी, मतलब प्रदूषित हो गई, पॉल्यूटेड, द रिवर्स पॉल्यूटेड, PollutedU बिगिन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई काम जब शुरू हो जाता है तब लगता है एक्टिविटीज बताने के लिए, यहाँ प्रदूषित हो गई, प्रदूषित होने लगी, मतलब क्लियर। एज ए रिजल्ट कामा, एज ए रिजल्ट कामा द रिवर्स पॉल्यूटेड, PollutedU पॉल्यूटेड माने होता है प्रदूषित हो गई, क्लियर। आगे गंगोत्री से गंगा सागर तक प्रवाहित होने वाला वाली गंगा आज प्रदूषित हो रही है, लिखो द गंगा, द गंगा नदी का नाम है तो पहले से ही लिखा जाए, द गंगा विच फ्लोज, प्रवाहित होना मतलब बहना प्रवाहित होना, विच फ्लोज फ्राम, विच फ्रॉम, विच फ्लोज फ्राम गंगोत्री, जी बड़े कर देना स्थान का नाम है, विच फ्लोज फ्राम गंगोत्री टू गंगा सागर, फ्राम गंगोत्री टू गंगा सागर, लिख लिए, इज गेटिंग पोल्यूटेड नाउ, इज गेटिंग पोल्यूटेड नाउ, आज प्रदूषित हो रही है, मतलब इज गेटिंग पोल्यूटेड नाउ, समझ गए कि नहीं, गेटिंग पोल्यूटेड मैंने प्रदूषण को प्राप्त करती जा रही है, नहीं प्रदूषित हो रही है, यानो डब्लू, मतलब ये जो कह रहे हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक प्रवाहित होने वाली गंगा नदी आज प्रदूषित हो रही है, इसको ऐसे भी कह सकते हो, वह गंगा जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जो है बहती है वह आज क्या हो रही है, प्रदूषण को प्राप्त करती जा रही है, यानी प्रदूषित हो रही है, अब समझ गए कि नहीं, सेंस लिखना पड़ेगा भाव के अनुसार, ठीक। अब देखिए आगे लास्ट सेंटेंस है, भारतीय जनमानस अपनी उस पवित्र स्वच्छ अविरल जलधारा वाली गंगा नदी वापस मांग रहा है, तो लिखो भारतीय जनमानस के अंग्रेजी, द पीपुल ऑफ इंडिया, भारतीय जनमानस मतलब भारत के लोग, द पीपुल ऑफ इंडिया आर डिमांडिंग, मांग रहे हैं, डिमांडिंग देयर, क्या मांग रहे हैं, देयर होली, अपनी पवित्र, कामा क्लीन, स्वच्छ की अंग्रेजी, होली कामा क्लीन, क्लीन एंड अविरल, अविरल के अंग्रेजी लिखो कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट, अविरल मतलब जो लगातार बह रही हो, कांस्टेंट CONSTANT, कांस्टेंट माने अविरल, स्ट्रीम STREAM जलधारा वाली, मतलब स्ट्रीम माने जलधारा, स्ट्रीम ऑफ द गंगा, जलधारा वाली गंगा कहेंगे जी, हाँ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ द गंगा माने अविरल जलधारा वाली गंगा, ऑफ द गंगा बैक, क्या मांग रहे हैं, उसको बाइक मांग रहे हैं, वापस मांग रहे हैं, बाइक लास्ट में लगा दो एडवर्ब, क्लियर, डिमांडिंग देयर कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ द गंगा बैक, माने अपने अविरल, ठीक है, जलधारा वाली गंगा को वापस मांग रहे हैं, क्लियर। तो ये था आपका जो है आज का ट्रांसलेशन, अब 2018 के सारे सेट हम हल करा चुके हैं, जो कि अग्रवाल कंपनी के अंसाल पेपर से हल कराया जा रहा है, तो हम अगले सेट में आपको 2019 का हम हल कराएंगे, ठीक है, फिर 20 का, तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी को दबा के रख लें बेल आइकन को, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी विद्यार्थियों का भला हो सके, और हम इतना मेहनत कर रहे हैं सबका कल्याण हो सके, अच्छे नंबर सब लोग पा सकें, क्योंकि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।